इंडिया के देखें वो भी 15 अगस्त को हुआ था यार, एक दिन के बाद हुआ था। नई सोच आएगी लोगों की क्या, जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट की है, जिस तरह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया है, आप देखेंगे दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया हुआ है। 650 बिलियन डॉलर्स की उनके फॉरेन रिजर्व है, क्या कहना चाहेंगे वो, इनका एम है कि चाइना का क्रॉस करें। This video has been made to show the truth in which we have given our full research and time so that with complete facts and proof the youth of the country get knowledge and the real truth can be known. नई सोच आएगी लोगों की क्या, जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट की है, जिस तरह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया है, आप देखेंगे दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया हुआ है। 650 बिलियन डॉलर्स की उनके फॉरेन रिजर्व है, क्या कहना चाहेंगे? यूके को क्रॉस कर दिया उन्होंने, बीट कर दिया बिल्कुल, और इसी स्पीड्स में मेरे ख्याल उनका जो एम है ना, वो इनका एम है कि चाइना का क्रॉस करें, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश भी किया, G20 भी उन्होंने अभी उसकी होस्ट किया रिसेंटली उन्होंने, वो भी कश्मीर के अंदर, वो भी कश्मीर के अंदर, कश्मीर के बड़े बड़े श्रीनगर के मेजा दुकानों के अंदर जाकर 16 बड़ी कंट्रीज के लोग जाके शॉपिंग कर रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है, अभी उन्होंने तो ये भी तो बता दिया कि भाई जुल्म तो नहीं कर रहे हम, अब आगे बताएं क्या करना, पाकिस्तान से पूछ रहे हैं, अब आगे बताएं क्या करें हम, सर जुल्म यहाँ बड़ा हो रहा है। इस पर हम बात नहीं कर रहे, वही कह रहा हूँ, अगर इस पर हम बात करें तो गद्दार हो जाएंगे, तो फिर हम गद्दार हो जाएंगे, हम सब गायब हो जाएंगे। खैर यार, हमें सोचना चाहिए बिल्कुल, हमारे अदारों को सोचना चाहिए कि अगर आपका नेबरिंग कंट्री है चाइना, खैर वैसे बहुत आगे चला गया हुआ है, वो भी आपके पास आज़ाद हुआ था, अगर इंडिया के देखें वो भी 15 अगस्त को हुआ था यार, एक दिन के बाद हुआ था, तो यार अगर वो कंट्रीज इतने आगे जा सकते हैं तो मतलब हमारे पास किसी टैलेंट की कमी नहीं है। जो देश खुद झूठ की बुनियाद पे बना हो वो आज बता रहा है कि इंडिया जो है बाद में आज़ाद हुआ है पाकिस्तान के। यार एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, अगर हम बाद में आज़ाद हुए हैं तो तुमने शुरू के 3 साल जो है 15 अगस्त पे ही अपनी आज़ादी क्यों मनाई, जो कि तुम्हें मनानी नहीं चाहिए, तुम्हें अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो पैदा हुआ है ना, वो आज़ाद कहाँ हुआ है, वो किससे आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान नाम का मुल्क ही कहाँ था, तो ये चीज़ जो है ना पाकिस्तान को सोचनी चाहिए। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आज़ादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया, इसकी क्या हकीकत है, और हम 14 अगस्त को क्यों आज़ादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।